प्रिंटेड इन दिस वे, ये आपका एक्स ओ वाई प्लेन हो जाएगा और इधर से दिस इज योर जेड प्लेन। तो थ्री डायमेंशनल में जब भी आपको एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट करनी है, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड इन दिस वे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन। ये आपका बन गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, देन इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का है, इनके बीच में भी 90 डिग्री का, लाइक यू कैन सी दैट कॉर्नर। ठीक है, अगर आप इन तीनों को, ये वाली लाइन चेक करो, ये वाली चेक करो, ये वाली चेक करो, हर एक के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो वो तीन चीजें जो है दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग ओवर हियर, हर एक के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री का लेगा। जब हम इस तरह से प्लेन की बात करेंगे तो एक्सो वाई प्लेन हो जाएगा, इधर का अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक्स जेड प्लेन, एक्सो जेड प्लेन हो जाएगा, या एक्स जेड प्लेन यू कैन से, इसकी और इसकी बात कर रहे हैं तो दिस कैन बी द वाई जेड प्लेन। अगर एक को मैंने एक्स एक्सिस लिया, इसको वाई लिया, इसको जेड लिया, तो दिस इज एक्स जेड प्लेन, दिस इज वाई जेड प्लेन, और अगर ऐसे बात करें तो दैट इज द एक्स वाई प्लेन। तो सेम यहाँ पे अगर ये वाला हम लेके चल रहे हैं तो दिस इज द एक्स वाई प्लेन या एक्स ओ वाई प्लेन यू कैन से, दिस इज एक्स ओ जेड प्लेन एंड दिस इज वाई ओ जेड प्लेन। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं जैसे एक्स वाई प्लेन की, तो जेड कोऑर्डिनेट वहां पे जीरो होगा। जैसे हम यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस की बात करते थे, एक्स एक्सिस पे आपका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता था, अब अगर हम एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं तो इसमें जेड कोऑर्डिनेट विल बी जीरो, एक्स जेड प्लेन की बात कर रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट विल बी जीरो, वाई जेड प्लेन की बात कर रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट विल बी जीरो। यानी कि जिस प्लेन की बात कर रहे हैं, थर्ड वाला जो भी मिसिंग है, तीन लेटर्स हैं हमारे पास एक्स वाई जेड, जो भी लेटर मिसिंग है दैट विल बी जीरो। और जब इनका रिटर्न का सीक्वेंस आता है, कोऑर्डिनेट्स सेम वे में लिखे जाएंगे, एक्स वाई एंड जेड। अभी तक आप पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे टू कोऑर्डिनेट्स से, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, अब क्योंकि थ्री डायमेंशंस की बात हो रही है तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट से आप पॉइंट को रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, देन हम यहाँ पे करते थे, ये दोनों हमारे पॉजिटिव होते थे, ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, ये चार होते थे सेम वे में। डस्टर खाए अब इसमें जो है टू से हमारे पास फोर बनते होते थे, टू डायमेंशन थी तो फोर क्वाड्रेंट्स बनते थे, अब जब हमारे पास थ्री डायमेंशन है तो टू क्यूब यानी कि एट हमारे पास बनेंगे, और उनको हम क्वाड्रेंट ना बोल के ऑक्टेंट्स बोलते हैं। तो फर्स्ट सेकंड नेक्स्ट पेज करना है, अब इनके जो कोऑर्डिनेट्स के साइन है अकॉर्डिंगली होंगे, दिस वन इज पॉजिटिव, देन नेक्स्ट टू में सेकंड एंड थर्ड में दिस इज नेगेटिव, अगले वाले में दिस इज अगेन पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, देन वाई में पहले दो पॉजिटिव, देन नेक्स्ट टू नेगेटिव, फर्स्ट टू पॉजिटिव, नेक्स्ट टू नेगेटिव, अगले वाले में ये चारों पॉजिटिव एंड ये चारों आपके नेगेटिव। अब जब हम इट मींस बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, आप इस तरीके से बना लो, इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, बाकी दोनों पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों नेगेटिव, जेड पॉजिटिव, देन फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स और जेड पॉजिटिव, वाई इज नेगेटिव एंड सो। तो ये इसमें ऐसे कर लेना, पहले मतलब इसमें फर्स्ट और फोर्थ पॉजिटिव, बीच के दोनों नेगेटिव, सेम यहाँ पे फर्स्ट एंड फोर्थ, मतलब फोर फोर में इनको डिवाइड कर लो आप तो लर्निंग ईजी रहेगी। फर्स्ट एंड फोर्थ पॉजिटिव, फर्स्ट एंड फोर्थ पॉजिटिव, बीच के दोनों नेगेटिव, देन ऑल्टरनेट टू प्लस टू माइनस, टू प्लस टू माइनस, फिर फोर प्लस फोर माइनस। ठीक है, तो ये आपका ऑक्टेंट्स के साइन हो गए, क्वाड्रेंट नहीं बोलना, एट पार्ट्स है तो ऑक्टेंट्स आप इनको बोलेंगे। उसके बाद जो है हमने इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे आपको कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, लाइक टू माइनस थ्री एंड माइनस फाइव मान लो दे दिया, तो इन विच क्वाड्रेंट इट लाइज, तो आपको एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव एंड जेड नेगेटिव, तो क्वाड्रेंट एट में दिस विल लाइज।
इस तरह के क्वेश्चंस, जैसे मतलब ऑलमोस्ट क्वेश्चंस वही बनते हैं जैसे हमने टेंथ में किए हुए। टेंथ में आप सिर्फ टू कोऑर्डिनेट्स लेके चलते थे, यहाँ थर्ड कोऑर्डिनेट ऐड हो गया आपका। देन डिस्टेंस फॉर्मूला किया हुआ है आपने टेंथ में, क्या होता है हाँ जी। अब इसमें क्या हो जाएगा, सेम जो हमें पॉइंट मान लो गिवन है पी एंड क्यू, सो पी क्यू डिस्टेंस विल बी गिवन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। उसमें टू कोऑर्डिनेट्स के साथ लेते थे तो एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, यहाँ पे साथ में जेड टू माइनस जेड वन होल स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, देन अगर मान लो मिड पॉइंट निकालना है आपको दो पॉइंट्स का, सेम पी और क्यू का मिड पॉइंट आपको निकालना है, तो दैट विल बी गिवन बाय एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री। क्या लोगे, एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू, देन वाई वन प्लस वाई टू बाय टू, एंड जेड वन प्लस जेड टू बाय टू, दोनों का सम डिवाइडेड बाय टू। और क्या चीज है इसमें, फर्स्ट वाले एक्सरसाइज चलो आ जाओ उसके। बस ये वही चीज हो गई आपकी एक्सिस जो उन्होंने डिपिक्ट की हुई है, ये मैंने आपको यहाँ से शो कर दी है, ठीक है, जो आपकी बुक में उन्होंने क्यूबॉइड से दिया है, यू कैन सी दैट कॉर्नर ऑफ द रूम, वहां से वो आपको क्लियर हो जाएगा। अब एक्सरसाइज पे आ जाओ, फर्स्ट एक मुझे दो, फर्स्ट एक्सरसाइज 12.1, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अ पॉइंट ऑन इज ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट्स एंड जेड कोऑर्डिनेट्स। अब एक्स एक्सिस पे है, थ्री डी की बात हो रही है, तो वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, बोथ विल बी, दोनों जीरो हो जाएंगे, एक्स एक्सिस की बात हो रही है, ठीक है। A point is in the xz plane. What can you say about its y coordinate? xz plane में y is zero. First में point is on the x-axis. So what can you say? What are its y coordinates and z coordinates? ये आपकी x-axis है, ये y-axis है, ये z-axis है. अब इस axis पे जब point की बात हो रहा है, तो that you will be having only x coordinate. तो y और z आपके क्या हो जाएंगे, दोनों zero हो जाएंगे. Now the next one, name the octants in which the following points lie. 1, 2, 3. Tino positive first quadrant. 4, minus 2, 3. Yani ki positive, negative, positive, fourth quadrant. 4, minus 2, minus 5. Eighth quadrant. 4, 2, minus 5. Plus, plus, minus, fifth quadrant, yes. Then minus 4, 2 and minus 5. सिक्स, ठीक है, देन माइनस थ्री माइनस वन सिक्स, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव सेकेंड, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस प्लस है ना, मैं थ्री माइनस थ्री माइनस वन सिक्स वाला पूछ रही हूँ, ठीक है, देन माइनस टू माइनस फोर माइनस सेवन, ऑल नेगेटिव सेवन, कौन सा, नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रही बेटा, वी आर डूइंग द लास्ट वन, मेरे पास तीनों नेगेटिव है, तो अगर तीनों नेगेटिव है तो सेवेंथ क्वाड्रेंट, आपके पास अगर एक पॉजिटिव है तो अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज, ठीक है, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक्स, द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टूगेदर डिटर्मिन अ प्लेन नोन एज। अब ये जो चीज है, ये प्लेन को एक प्लेन बना रही है, यानी कि अगर मैं ये चीज लू तो दिस इज फॉर्मिंग अ प्लेन, ये वाली जो वॉल है दिस इज एक्टिंग एज अ प्लेन। एक्स और वाई वाली ली है तो एक्स वाई प्लेन, या यू कैन से कि एक्स ओ वाई प्लेन। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म, एक्स वाई प्लेन में जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट विल बी ऑफ द फॉर्म एक्स वाई एंड जेड, क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। Then coordinate plane divides the space into dash octants, eight octants. Clear? अब distance between two points formula आपको पता है. Come to the exercise again.
इसमें भी वही चीज है कि जैसे राइट ट्राइंगल आपको फॉर्म करना है तो अगेन डिस्टेंसेस निकाल के यू कैन चेक. फर्स्ट वाला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स 2, 3, 5, 4, 3, 1. कौन सा? मिड पॉइंट x1 + सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय 2. ऊपर वाला लिखा हुआ है. वाले आपके 1 मार्क क्वेश्चंस बनते हैं. अब फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. तो मैंने एक को पी ले लिया, एक को क्यू ले लिया. आई हैव टू फाइंड आउट पी क्यू, और यू कैन से ए बी अगर आप ए और बी ले रहे हो. दोनों में से जिसको मर्जी एक्स वन वाई वन जेड वन ले लो, जिसको मर्जी एक्स टू वाई टू जेड ले लो, जेड टू ले लो. तो 2 - 4 होल स्क्वायर + 3 - 3 होल स्क्वायर + 5 - 1 होल स्क्वायर. नाउ दिस इज इक्वल टू -2 स्क्वायर, 0 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर. हाँ जी, सो दिस इज 2√5 यूनिट. सो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज 2√5 यूनिट्स. चलिए अब थर्ड वाला करके देखो. -1, 3 - 4 - 1, 3 - 4. And 1 - 3, 4. Find the distance. √26. आगे यूनिट्स जरूर लिखना, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मधुडन बेटे, गुरकीरत अमिश, हो गया मेथड क्लियर है? कितना आया? चलिए अगले पे. नेक्स्ट है आपका शो दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर. कोलिनियरिटी के लिए क्या करते होते थे हम? या तो एरिया वाला कंसेप्ट या डिस्टेंस वाला. यहाँ एरिया, क्योंकि हमने 3 पॉइंट्स से सीखा हुआ है, 3 by 3 वाला आपका भी डिटर्मिनेंट मेथड नहीं आता, तो आप डिस्टेंस वाला कंसेप्ट लगाएंगे. डिस्टेंस ऑफ एनी टू अगर थर्ड के इक्वल है, थर्ड वाले डिस्टेंस के, देन द पॉइंट्स विल बी कोलिनियर. तो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल लो. क्या क्या गिवन है? पॉइंट्स हमें गिवन है -2, 3, 5. Then 1, 2, 3 and 7, 0, -1.
अब ए बी निकालो, बी सी निकालो और सी ए निकालो. इफ द सम ऑफ एनी टू इज इक्वल टू द थर्ड वन देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज नॉट. फर्स्ट कितना आया डिस्टेंस? रूट 14. ठीक है, सेकेंड वन रूट 56. मैं डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख रही हूँ. Then CA. This is 3√14. अब सम ऑफ दिस टू इज इक्वल टू थर्ड वन, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए. देयरफॉर द पॉइंट्स आर कोलिनियर. एनी टू, आपको बस ये देखने कोई भी दो नहीं, जो छोटी वाली वैल्यूज होती हैं उनका सम विल बी इक्वल टू द बिगर वन. डन. अमिश क्लियर है? हो गया, समझ आया कि नहीं? ये ऐसे करते हैं ना, मुझे लगता है कि नहीं बोल रहे. चलिए थर्ड क्वेश्चन, वेरीफाई द फॉलोइंग. 0, 7, -10, 1, 6, -6 एंड 4, 9, -6 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. यस, तीनों डिस्टेंसेस निकाल लोगे, लेंथ निकाल लोगे, सम एनी टू विल बी इक्वल. अगर कोई दो साइड्स इक्वल हैं तो ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, अदरवाइज नॉट. अब उसने वेरीफाई करने को कहा है तो इट विल बी, सो यू हैव टू फाइंड इट. ए बी निकाल लो, √18. सो दिस कैन बी रिटन एज 3√2. बी सी ये भी √18 बिल्कुल ठीक है. अब थर्ड वाली निकाल लो, इक्विलेटरल ना ना हो, सो यू हैव टू फाइंड आउट. वैसे तो नहीं होगी क्योंकि वेरीफाई है, बट स्टिल यू हैव टू शो. हाँ जी, 6 आ जाएगा. यूनिट्स लिख लेना आगे. अब सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी, द टू साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ए बी सी इज रिप्रेजेंटिंग एंड द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. सो सेकेंड पार्ट, राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम चेक करोगे. हो गया गुरकिरण? डन फर्स्ट पार्ट. बस अब ए बी इज इक्वल टू बी सी, दो साइड्स इक्वल आ रही हैं तो दीज आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल.
राइट एंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम चेक करोगे सेम वे में, डिस्टेंसेस निकाल के सम ऑफ द जो स्मॉलर वाली टू साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम विल बी इक्वल टू द बिगर वाले का स्क्वायर. सो दिस इज योर होमवर्क पार्ट. थर्ड वन बताओ कैसे करोगे. दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम. ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी. बस डायगनल्स क्या होते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. हां जी. सो दीज टू सेकेंड एंड थर्ड आर योर होमवर्क पार्ट्स. फोर्थ क्वेश्चन, हाफ मिड पॉइंट सेम आएंगे दोनों के. ठीक है, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो दोनों का जो मिड पॉइंट आप निकालोगे दैट विल बी सेम. देन क्वेश्चन नंबर फोर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 1, 2, 3 एंड 3, 2, -1. जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि सेट ऑफ पॉइंट्स आपको इक्विडिस्टेंट गिवन है, तो हम पॉइंट को क्या मान लेंगे? हमें नहीं पता कि पॉइंट की वैल्यूज क्या है, हम उसको जनरल लेके चलते हैं एक्स वाई जेड. ठीक है, तो लेट पी बी द रिक्वायर्ड पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू गिवन पॉइंट्स. फिर क्या करोगे, पी ए इज इक्वल टू पी बी पुट करके इक्वेशन फॉर्म करो. सो लेट पी बी द रिक्वायर्ड पॉइंट P is x, y, z be the required point such that equidistant given है, तो P A is equal to P B. root हटाने के लिए squaring कर दोगे points A और B. हमें given है, A given है 1, 2, 3 और बी गिवन है 3, 2, -1. ए इज 1, 2, 3 एंड बी इज 3, 2, -1. अब यहाँ पे डिस्टेंसेस इक्वेट कर दोगे और एक्स और वाई का रिलेशन आ जाएगा. पी ए स्क्वायर, पी इज एक्स वाई जेड. z -3 whole square. This is equal to x -3 whole square, y -2 whole square, and z+1 whole square. हाँ जी, हाँ, ब्रैकेट्स ओपन करके जो चीज कैंसिल आउट हो रही है कैंसिल आउट कर दो. स्क्वायर वाली टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी. a-b whole square, a+b whole square, जो भी फॉर्मूला लग रहा है. x2, y2, z2 ऑन द ऑपोजिट साइन साइड्स हैविंग सेम साइन, दिस विल गेट कैंसल आउट. बाकी भी अगर कोई कैंसिलेशन है कर लो, अदरवाइज ब्रिंग ऑल द टर्म्स टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड गेट योर आंसर. ये -4y, ये भी -4y, बाकी सिंप्लीफाई करो. दिस इज +1, +1, +9, +9, +4 and +4. सो टर्म्स रहेगी हमारी -2x, -6z, +6x, -2z. और यू कैन राइट इट डाउन, x = 2z. दोनों में से जिस मर्जी तरीके से आप इसको लिख लो. सो दिस विल बी योर आंसर. हो गया? किए खुद के नहीं, कॉपी किए? मधु डैन,
लास्ट क्वेश्चन वी विल डू टुमारो, ठीक है? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी बेटे, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्यों? लेट मी सी, जैसे मर्जी काट लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैलकुलेशंस आप अपने हिसाब से करो बेटे। अमित एंड पूरव, इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन